मेरा नाम मीरा तायवाड़े है। मैं सन 85 से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में के अंतर्गत अंधारिया में पदस्थ हूँ और मेरा आना जाना आमला से ही होता है और इनके नेचर व्यवहार से मैं अच्छे से परिचित हूँ। ये इंसान के रूप में भेड़िया है, ये शैतान है, ये हैवान है, ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के नाम पर कलंक है। एक बार आज से 10 साल पहले की, 6-7-8 साल पहले की बात है, मेरे पिताजी की डेथ बॉडी मेरे घर में पड़ी। 4 बजे दिन को मेरे को बुलाया गया, नहीं अभी आइए, नहीं आपको बुलाया है, प्यून मेरे घर गया, अभी बुलाइए, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को एक बार मद्रास में चेकअप कराने जाना था। हाँ, वही कहने जा रही मैं। तो मैं एप्लीकेशन लेके, छुट्टी की एप्लीकेशन लेके इनको मैं गई ओपीडी में। इनने बोला यहाँ नहीं, घर लेके आना। मैं घर नहीं गई, फिर दूसरे दिन मैं ओपीडी में गई। दूसरे दिन ओपीडी में गई तो मेरी एप्लीकेशन सीएमओ को फॉरवर्ड कर दी गई, बोले कि नहीं यहाँ कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलती, जाओ सीएमओ से छुट्टी लेना। वहाँ पर मैं छुट्टी लेके गई तो सीएमओ साहब बहुत भड़के कि ये हार्ट पेशेंट को यहाँ पर आवेदन लेके भिजवाया, इसको वहीं से छुट्टी दे सकते थे। इनके घर गए, इनकी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो ये उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते। जब तक उसका नुकसान नहीं करेंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलती। ये घर बुलाया था, मैं नहीं गई। मेरे को मालूम था इनकी चार तो एक ऐसी है, सप्लायर है, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, प्रसाद सिस्टर, लाजरस सिस्टर, किरण मेहरा, इंदिरा गाडरे। इनके कई हरकतें मैं देख चुकी थी। ये घर बुलाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। एक लड़की अनमेरिड थी जिसका प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका इलाज कराने उसकी माँ को बोल के उसके इनके घर भिजाई मैंने। वो घर गई, घर जाके उससे उनसे बोला गया कि हाँ मैं देखता हूँ इसको, बात बात हो गई, माँ नीचे बैठी रही, उसको अपने बेडरूम में ले गई। बेडरूम में ले जाके उससे छेड़छाड़ करने लगे, उससे ऐसी हरकतें जो भी की वो कपड़े उठा के नीचे भागते हुए आई, उसकी माँ को बोले मेरे को इससे इलाज नहीं कराना। और नर्स के साथ तो बहुत नर्सों के साथ में किया है लेकिन कोई बोलेगा नहीं, ऐसी बात कोई नहीं बोलेगा। आपने देख लिया, अभी जिसने भी बयान भी दी है तो वो भी ऐसी बात नहीं बोलेगा। सभी की मर्यादा, सबके बाल बच्चे परिवार है, हाँ अभी कम से कम 100 लोगों ने शिकायत की थी। ये सब मेन शिकायत यही थी कि ये घर बुलाते हैं और अपना हवस का शिकार बनाते हैं।